झाबुआ के देवगिरी मंदिर परिसर में प्रोफेसर डॉक्टर प्रभु नारायण मिश्रा, पूर्व डीएन आईएमएस इंदौर, पुलिस अधीक्षक पदम विलोचन शुक्ल की उपस्थिति में आध्यात्मिक और सामाजिक पुनरुत्थान हेतु ग्राम नगर सुरक्षा समिति सम्मेलन का आयोजन किया गया। उक्त कार्यक्रम में प्रोफेसर डॉक्टर प्रभु नारायण मिश्रा द्वारा उपस्थित आम जन को आध्यात्मिक बातों एवं महाभारत व श्रीमद भागवत गीता के मूल मंत्रों के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही सामाजिक पुनरुत्थान हेतु समाज में पनप रही रूढ़िवादी प्रथाओं एवं कुप्रथाओं के बारे में कहानियों के माध्यम से समझाया गया, जो कि प्रथाएं आज के समय में समाज को नीचे धकेलने का कार्य कर रही है। उनको छोड़ना होगा, तभी समाज को आगे सही दिशा में बढ़ा सकेंगे। झाबुआ से अल्बर्ट मंडोरिया की रिपोर्ट। अब इस बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा, दुर्योधन कहता है कि ये राज्य में तुमको दान में देता हूं। युधिष्ठिर कहते हैं मैं तेरा ये दान स्वीकार नहीं करूंगा, तुमको युद्ध में जीत करके तुम्हारा वध करके मैं ये राज्य प्राप्त करूंगा, तुम्हारा दान नहीं लूंगा। तो दुर्योधन कहता है मैं बहुत थक गया हूं, मेरे पास कोई हथियार भी नहीं है कि मैं तुमसे युद्ध कर सकूं। तो युधिष्ठिर गुमान में आके कहते हैं कि तुम्हें हथियार मैं देता हूं, जितने हथियार चाहो सब देता हूं, और तुम युद्ध करने के लिए हथियार अपनी मर्जी का चुन लो, और हम पांचों भाइयों में से किसी एक को चुन लो तुम युद्ध करने के लिए। अगर तुम जीत गए तो तुम विजेता हुए, राज्य तुम्हारा, अगर हम हार गए तो तुम्हारी विजय तो ही है। कृष्ण उस समय युधिष्ठिर को बहुत फटकार लगाते हैं और कहते हैं तुम बड़े नीच जुआरी हो। ये शब्द बोला है युधिष्ठिर के लिए भगवान श्री कृष्ण ने, जिसको धर्मराज कहा जाता है, कि तुम बड़े नीच जुआरी हो। आप लोगों को कोई प्रश्न पूछना हो सर, गणित के भी है, मैनेजमेंट के भी, कुछ पूछना हो कुछ पूछ सकते हो। अरे बस तुम लोगों को भी एसपी साहब जैसा, मैडम जैसा बन सकते हो, पढ़ोगे तो सब कुछ कर लोगे। पढ़ेंगे, इन्हें वादा किया ना रक्षा से की टीम से। देखिए ये अध्यात्म वैसा अध्यात्म नहीं था कि संग ले जाओ और माला फेरो और घर गृहस्थी का कोई काम न करो। ये एक माने में आप कह सकते हैं कि जिंदगी के लिए जो अध्यात्म है, जो व्यवहारिक अध्यात्म है, उस पर ये व्याख्यान था कि आध्यात्मिक ज्ञान द्वारा किस तरह से आप अपनी जिंदगी को और अपने समाज को बेहतर बना सकते हैं। उदाहरण के तौर पर मैंने भगवान श्री कृष्ण के जीवन की कुछ घटनाएं की और उन घटनाओं के आधार पर कुछ आध्यात्म के सिद्धांतों का मैंने प्रस्तुतिकरण किया इन लोगों के सामने, और वहां से जीवन की किस प्रकार की शिक्षाएं मिलती हैं ये बात मैंने सीखी। मैंने कहा नहीं इसे, मैंने उस पर भी एक कहानी सुनाई कि आज अगर आपको कोई चीज़ अच्छी लग रही है, लाभ दे रही है, तो ये ना मान के चलिए कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी अच्छी है और वो लाभदायक है। आप स्वयं चिंतन करें। और ये प्रथा हो सकता है कभी अच्छी रही हो, जहाँ समाज के लोग बैठ करके कुरीतियों को समाप्त करने के लिए स्वयं दंड निर्धारित कर दिया करते हों, लेकिन अब इसमें जो धन जुटता चला गया है, वो धन तो अनेकों लोगों को कंगाल बना गया। जमीन गिरवी हो रही है, गहने गिरवी हो रहे हैं। तो आदरणीय एसपी साहब ने और मैंने भी उनको प्रतिज्ञाबद्ध कराया कि इससे वो मुक्त होंगे। भानगढ़ी प्रथा भले ही जीवित रहे, पर उसमें जो पैसे का लेन देन है ये तत्व समाप्त हो गया। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।